गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी के लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड है। एक सवाल बहुत लोगों को परेशान कर रहा है कि शिमू टाइटन आखिर मेल है या फीमेल। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ऑफिशियल अपडेट के हिसाब से बताएंगे कि शिमू आखिर मेल है या फीमेल। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड सारी न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। गॉडज़िला एक्स कॉन्ग का मेन विलन तो स्कार किंग ही है, लेकिन इसमें हमें और एक विलन देखने को मिलेगा जिसका नाम है शिमू। यह एक ऐसा टाइटन है जिसके पास आइस वाली पावर्स है। यह अपने मुंह से आइस ब्रेथ भी छोड़ सकता है। शिमू टाइटन ने ही पृथ्वी पर आइस एज की शुरुआत की थी, यानी कि दोस्तों यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइटन है। इसी की वजह से मॉन्स्टरवर्स के फैन ये जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है कि शिमू टाइटन आखिर मेल है या फीमेल। ऑफिशियल अपडेट्स के हिसाब से एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जिससे हमें यह पता चलता है कि यह टाइटन आखिर मेल है या फीमेल। मॉन्स्टरवर्स में हमें ज़्यादातर मेल टाइटन्स ही देखने को मिलते हैं और कुछ टाइटन्स ऐसे भी है जो फीमेल है। सभी लोग एक फीमेल टाइटन को जानते हैं और पसंद भी करते हैं, जो है मॉथ्रा। मॉथ्रा टाइटन क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स है, जिसे हमने गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में देखा था। यानी कि दोस्तों अब तक हमने ऐसी एक ही फीमेल टाइटन को देखा है जो फेमस भी है, जिसका नाम है मॉथ्रा। गॉडज़िला और कॉन्ग ये दोनों मेल टाइटन हैं और ये बात सभी लोग जानते हैं। शिमू नाम का मतलब होता है स्नो या फिर ठंडा। इस नाम से हमें यह बात तो पता नहीं चलती कि ये मेल है या फीमेल। अगर हम सिर्फ फोटोज़ को कंपेयर करें तो गॉडज़िला के सामने शिमू फीमेल लगती है। उसके नाखून गॉडज़िला से बड़े हैं और उसके सिर पर भी डॉर्सल प्लेट्स है। यहाँ तक कि उसकी पूंछ भी गॉडज़िला से थोड़ी डिफरेंट है। अगर सिर्फ फोटो देखकर बताएं तो काफ़ी हद तक शिमू टाइटन फीमेल लगती है। मूवी के प्रोड्यूसर्स को भी ये पूछा गया था कि शिमू टाइटन मेल है या फीमेल, तब उन्होंने यही कहा था कि ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उन्होंने कहा था कि शिमू बस एक बड़ा टाइटन है, बिल्कुल दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह। उनका कहना था कि शिमू मेल है या फीमेल ये बात मायने ही नहीं रखती, वो बस एक बड़ा मॉन्स्टर है। सबसे पहले जब उन्होंने शिमू को डिज़ाइन किया था तब उसे एक मेल काइजू की तरह ही बनाया था। तो दोस्तों प्रोड्यूसर्स का कहना है कि ये सवाल तो मायने ही नहीं रखता, लेकिन फिर भी अगर आप जानना ही चाहते हो तो शिमू को सबसे पहले मेल टाइटन की तरह ही बनाया गया था। मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है कि ये सवाल बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो सिर्फ बढ़िया मॉन्स्टर को देखना है, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल। शिमू टाइटन को देखकर तो वो फीमेल ही लगती है। शिमू के सिर पर जो डॉर्सल प्लेट्स है वो बिल्कुल एक ताज की तरह लगते हैं। और दोस्तों रिसेंटली जो मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी उसमें भी कुछ लोगों ने कंफर्म किया है कि शिमू एक फीमेल टाइटन है। टेस्ट स्क्रीनिंग में शिमू को मदर ऑफ ऑल टाइटन्स कहा गया था। तो दोस्तों टेस्ट स्क्रीनिंग से जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उससे हमें यही पता चलता है कि शिमू एक फीमेल टाइटन है। मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जिससे यही बात साबित होती है। फिलहाल हमारे सामने जितने भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि शिमू एक फीमेल टाइटन है। मॉन्स्टरवर्स में अब तक हमने ज़्यादातर सिर्फ मेल टाइटन्स को ही देखा है। इन सारी बातों को अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करें तो शिमू को फीमेल ही दिखाना चाहिए। मेरे ख्याल से शिमू को अगर फीमेल दिखाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि शिमू चाहे मेल हो या फीमेल, इस बात से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हमें बस एक बढ़िया सा टाइटन देखना है जिसे देखने में मज़ा आए। तो दोस्तों आपको इस सब के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने 28 डेज मूवी का रिव्यू भी किया है, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो हमेशा दारू पीती रहती है। उस रिव्यू को भी आप ज़रूर देखना, वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। मैंने मॉन्स्टरवर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।